ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं प्रकाश डालूंगा एक ऐसी विद्या पर जो कि लुप्त होती जा रही है। पश्चिमी सभ्यताओं को अपनाते अपनाते हम इतने आगे निकल गए हैं कि अपनी दिनचर्या को ही भूल गए हैं। होता ये था कि जब प्रातःकाल होता था तो हर घर में आरती होती थी, क्योंकि जो सनातन धर्म है इससे बढ़कर कोई धर्म ही नहीं है। पृथ्वी पर सनातन धर्म चिरकाल से चला आ रहा है, इसके भीतर से ही न जाने असंख्य धर्म निकले हैं, और सनातन धर्म जैसी संस्कृति आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये जीने का एक आधार है। कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जिनके बिना आप इस धरा पर सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। सब कुछ आपको गाइडेड मिलेगा यहाँ पर कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, और जो आप चाहते हैं, आपके जितने भी सवाल हैं जो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ना दे पाए, वो आपको हिंदू धर्म की ग्रंथों में मिल जाएंगे। तो एक ऐसी ही रिचुअल थी जो कि हर हिंदू परिवार सुबह उठते ही साथ प्रातः वंदन से शुरू करता था। आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले भगवान की आराधना में लग जाते थे, और इससे होता ये था कि कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता घरों में नहीं होती थी, चारों तरफ सुख का वातावरण रहता था, किसी भी तरह का अनिष्ट होना पॉसिबल ही नहीं था। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी रिचुअल जो कि लाखों साल पुरानी है, लेकिन यदि आप इसको प्रतिदिन अपने व्यवहार में लाते हैं, प्रतिदिन इसका अनुसरण करते हैं, तो आपकी जो जीवन प्रणाली है वो सुधर जाएगी। आप वो सब पाएंगे जो कि सिर्फ भगवत कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। यदि इस रिचुअल को आप करते हैं तो आपके जितने भी कार्य हैं वो कभी रुकेंगे नहीं, वो स्वतः ही अपने आप होते जाएंगे, क्योंकि इस कर्म को करने से भगवत कृपा आ जाती है, आपके काम स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार हम दैनिक क्रियाओं, निद्रा और अन्य कर्मों के लिए समय निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार वेदों अनुरूप जीवनचर्या पालन करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह प्रतिदिन कुछ क्षण प्रार्थना के लिए अवश्य निकाले। अपने इष्ट के सानिध्य में बिताए हुए समय को नित्य पूजन, आराधना, संध्या वंदन या केवल पूजा की संज्ञा दी गई है। आज भी हमारे विश्व में करोड़ों घरों में प्रतिदिन हिंदू परिवार नित्य पूजन से ही अपना दिन शुभारंभ करते हैं। आप भी एक पग और बढ़ते हुए संध्या वंदन को शुद्ध उच्चारण के साथ एक उच्चतम आयाम पर ले जा सकते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माये जनः पूर्यपासते तेषां नित्य भुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए हैं, उन भक्तों का योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ, अर्थात जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा करता हूँ, और जो अप्राप्त है, जो अब तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है, मैं उसे उन तक पहुँचाने में उनकी सहायता करता हूँ। आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो, किसी भी तरह की नकारात्मकता हो, भगवान की कृपा से वह सब प्राप्त हो सकती है। बस आपको करना इतना है कि प्रतिदिन कुछ समय निकालिए और संध्या वंदन शुरू कर दीजिए। ईश्वर से संबंध निर्मित करने के लिए नित्य पूजा सहायता कर सकती है, और जिनके पास भगवत कृपा की अमूल्य निधि है वह जीवन के इस पड़ाव में कभी भी असहाय महसूस नहीं करते। वेदों की यह अमूल्य धरोहर आपके जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रतीक्षारत है। आइए प्राचीन काल के इस ज्ञान को फिर से अपनी जिंदगी में लाएं और भगवत कृपा की प्राप्ति करें।
त्रिकाल संध्या क्या होती है और इसको आप अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। तो देखिए, त्रिकाल संध्या कहते हैं तीन संध्याओं को, सुबह, दोपहर और शाम। ये तीन पहर ऐसे हैं जब भगवान के समीप जाना बहुत ही आसान है। इस समय पर कुछ ऐसे आयाम खुलते हैं, कुछ ऐसे पोर्टल्स खुलते हैं जिसमें कि प्रभु विचरण करते हैं हमारी धरा पर। वो सुध लेने आते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो ठीक हैं या नहीं। तो इस समय को आप प्रभु भक्ति में लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि जब सूरज निकलने वाला हो, सूरज निकलने से पहले या जब सूरज निकलने वाला हो, वो आपका प्रथम पहर हो गया, उस समय भगवत कृपा अत्यधिक होती है। जैसे 3 बजे से 6 बजे के बीच में सुबह, उस समय इसको कई जगह पर अमृत वेला भी कहा गया है। तो उस समय पे आप प्रभु की भक्ति में जितना अधिक लगे रहें तो उतना ही फल आपको अधिक मिलेगा। दूसरा होता है 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय, ये होती है दूसरा पहर। इस पहर में आप प्रभु भक्ति में बहुत से ऐसे सुक्त हैं, बहुत सी ऐसी ऋचाएं हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, या फिर सिर्फ हरि नाम का सिमरन करें तो वो भी बहुत है। अब तीसरा पहर होता है जब एक रात के साथ एक दिन मिल रहा हो। इस समय पर दो पहर मिल रहे होते हैं, एक दोपहर और एक शाम। जब ये दोनों मिलने वाले हों, सूरज डूबा ना हो लेकिन डूबने को हो, सूरज ने अपनी लालिमा चारों ओर फैला दी हो, उस समय पर जो दिव्य शक्तियां हैं वो धरा से जाने को होती हैं। तो उस समय पर आप ये कोई भी श्री सूक्त की ऋचाएँ ले लीजिए, कोई भी ऐसा सूक्त ले लीजिए या फिर कुछ भी ऐसे मंत्र ले लीजिए, तो वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और उनकी कृपा आप पर बहुत जल्दी बन जाती है। तो त्रिकाल संध्या का अर्थ आपको समझ में आ गया, सुबह, दोपहर, शाम, और उसका समय भी मैंने आपको बता दिया है किस तरह से देखना है। और इस समय पे यदि आप नित्य भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान से भजन कीर्तन से अपना संपर्क साधते हैं, तो आपके ऊपर भगवत कृपा हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको पिछले श्लोक में बताया कि वो जो आपने अब तक अर्जित किया है उसकी रक्षा करेंगे, और जो आपकी कामनाएं हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए, और जो भी आपने सपने देखे हैं उन सबको पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। तो प्रभु कृपा पाने के लिए बस एक छोटा सा त्रिकाल संध्या जो है आज से ही आप अपने जीवन में ले आइए, और इसके बाद भगवत कृपा से ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी, ऐसा कोई ज्ञान नहीं होगा जो आपके पास नहीं होगा। तो आज से ही शुरू कर दीजिए, और भगवत कृपा पाने के लिए या फिर अपने मन की शांति के लिए त्रिकाल संध्या पूजन शुरू कर दीजिए। यदि किसी भी तरह का कोई त्रुटि हो गई हो यहाँ पर तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और आप अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं 9999841625 पर कि ये जो है जब आप त्रिकाल संध्या अपने जीवन में लेकर आए तो आपको किस किस तरह के अनुभव हुए, कैसी कैसी स्मृतियाँ आपके पास आई। क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9999841625 पर। धन्यवाद।